हेलो दोस्तों, आज मैं दो दो बुलेट लाया हूँ। कहाँ छिपा हुआ है? तो वो जो दोनों बुलेट है उसका मैं रिव्यू दूंगा। क्या है तू? क्या औकात क्या तेरा? उसका लुक कैसा है दिखाऊंगा, तो बने रहे मेरे साथ। पहले दिखा देते हैं कि इसका थोड़ा लुक देख सकते हो कि ये जो बाइक है रेड ब्लैक में आता है और ये है क्रोम रेड, मतलब क्रोम फिनिश ग्लोसी फिनिश के साथ आते हैं। बहुत लोगों को पसंद आने वाले हैं। बस एक बार इसका प्राइस देख लो। क्लासिक क्रोम रेट 2,95,000। और इसका जो प्राइस है 2,21,000 है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। इसका फ्रंट का जो लैम है कुछ वैसा दिखता है, देख सकते हो कि ये एलईडी में नहीं है, हैलोजिन में है दोनों तरफ पे। इसमें अभी तक जो है ये स्पोक आता है, ये सीट का टायर के साथ आता है। बाइवर का इसमें डिस्क का ब्रेक आता है और ये एवीएस है सामने। अभी जो फिलहाल इसका मिरर आ रहा है कुछ वैसा गोल गोल टाइप का आ रहा है। इधर देख सकते हो कि इसका जो स्विच का फंक्शन कुछ वैसा दिखा रहा है। इसका चाबी ऑन करेंगे और बताएंगे कि इसमें क्या क्या आता है। ये है इसका चाबी। क्या बात है, कुछ इस तरह से आते हैं। देख सकते हैं कि रॉयल एनफील्ड का लोगो दिया हुआ है। इसको अभी स्टार्ट करते हैं। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और इसका जो मीटर कंसोल है, इधर देख सकते हो कि इसका तेल है, इधर ऑटो है, इधर इको मोड लिखा हुआ है। और देख सकते कि इधर बैटरी का, इधर ये बेस का, इधर न्यूटन का। उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। तरह का जो जो है इस बाइक में, इस बाइक में वैसे के फीचर्स लोग नहीं देखते, इसको ब्रांड तरफ के लिए खरीदते अपना। अबे साले, अपना रॉयलिटी दिखाने के लिए। अभी इसका सीट थोड़ा ऐसा कर दिया है और ये सीट पहले से बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। इसका पीछे का सीट थोड़ा बड़ा कर दिया है और इधर ऐसा लुक आता है जो वैसा आता है, देख सकते हो। और ये इसका पास, इसे पास देते हैं। और ये है इसका जो हाई बीम लो बीम है, ये इसका टर्न इंडिकेटर है। और ये इसका हॉर्न, और इधर दिया है हज़ार। ये देने से चार इंडिकेटर एक साथ चलता है, दिखाता हूँ आपको। ये हज़ार देने से चारों इंडिकेटर एक साथ चलते हैं। और इधर इसका लाइट भी जल रहा है, देख सकते हो कैसा फील आ रहा है भाई। इसका हज़ार बंद कर देते हैं। और इसका जो स्विच क्वालिटी है पहले से थोड़ा इम्प्रूव हो चुका है। और अभी आ जाते हैं इसका टैंक में। इसका 13 लीटर का जो टैंक आता है, पहले की तरह क्लासिक लुक के साथ। और इधर एक क्रोम फिनिश के साथ इसका इंजन आता है। इधर क्लासिक का 350 लिखा हुआ है। और ये है इसका साइलेंसर। और इधर देखकर रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग भी दिया हुआ है इधर भी। और इधर लिखा हुआ है रॉयल एनफील्ड। और इस टैंक में जो प्यारी बात ये है कि यहाँ पर रॉयल एनफील्ड लिखा है। सस्पेंशन के बारे में बात करें, इसमें मोनोसोम नहीं आता है और ये अभी तक वैसे ही सस्पेंशन आता है। और ये देख सकते हैं कि ये डम वेरियंट है, इसमें डिक्स नहीं है। लेकिन ये वाला जो मॉडल है इसमें डिक्स है। आप देख सकते हो कि इधर जो दोनों मॉडल बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। एडेड में है क्रोम फिनिश के साथ और इसका जो लोगो है कुछ वैसा दिखता है। देख सकते हो